शनिवार को गाजीपुर के एम्बुलेंस कर्मचारी नाराज नजर आए। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। दरअसल ये कर्मचारी गाजीपुर के सीएमओ का विरोध कर रहे हैं। गाजीपुर सीएमओ पर एम्बुलेंस कर्मचारी से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। इसी को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों ने गोरा बाजार स्थित सीएमओ कार्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कर्मचारी सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित एक मांग पत्र भी तहसीलदार को सौंपा है। अपनी शिकायत में एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया है कि शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रोग्राम मैनेजर प्रवीण श्रीवास्तव और ब्लॉक प्रभारी रवि सिंह को फोन किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लखनऊ भेजने के लिए ALS एम्बुलेंस भेजने को कहा। प्रोग्राम प्रभारी ने सीएमओ को बताया कि जिले में 3 ALS एम्बुलेंस हैं। एक एम्बुलेंस 23 जुलाई को मरीज लेकर लखनऊ गई है, एक बड़ी बाग में किसी को लेने गई है और तीसरी में स्टार्टिंग की समस्या है। प्रभारी ने चंदौली से दूसरी एम्बुलेंस मंगाने की बात कही। शिकायत के मुताबिक इसी बात पर सीएमओ ने प्रोग्राम प्रभारी और ब्लॉक प्रभारी को कार्यालय में बुलाकर भद्दी भद्दी गालियां दी, साथ ही FIR कराने और नौकरी खाने तक की धमकी देने के आरोप हैं। प्रोग्राम मैनेजर प्रवीण श्रीवास्तव और ब्लॉक प्रभारी रवि कुमार सिंह ने कहा कि यदि सीएमओ हम लोगों के खिलाफ FIR कराते हैं या नौकरी पर खतरा आता है तो सभी एम्बुलेंस कर्मी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और अगर सीएमओ महोदय गाजीपुर जल्द से जल्द अपना स्पष्टीकरण और सफाई नहीं देते हैं और तत्काल कर्मचारियों से आकर के माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप से गाजीपुर की एम्बुलेंस सेवा को बंद कर दिया जाएगा। क्या लगता है एम्बुलेंस सेवा बंद हो जाने से कोरोना सहित आम जन को कितनी परेशानी हो सकती है? भाई यही तो समस्या है। हम कभी नहीं चाहते, हमारा कर्मचारी कभी नहीं चाहता है कि कोई भी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए हम जिम्मेदार हों। लेकिन आप समझिए, सहेड़ी में सारे राज्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर के काम कर रहे हैं। उनको न खाने की व्यवस्था है, न उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है, न उनको छुट्टी की व्यवस्था है, न टाइम से सैलरी जाने की व्यवस्था है। उसी तरह से हमारे एम्बुलेंस कर्मी जो हैं वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर कोरोना पेशेंट को ले जा करके वार्डो में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जब ऐसे हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। इस प्रदर्शन में कई 102 और 108 एम्बुलेंस के कई कर्मी शामिल थे। एम्बुलेंस कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव, विवेक कुमार सिंह शम्मी आदि लोग भी प्रदर्शन में शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।